बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी मेरी आवाज़ आ रही है शाह साहब आपको? जी आ रही है। जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा नया जो सबक है वो हम शुरू करते हैं, मगर उससे पहले थोड़ा हियादा कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने ज़मीर मुनफसिल पढ़ी, डिटैच प्रोनाउन पढ़े, मुज़क्कर के पढ़े, और उसको ज़रा आप रिपीट कर दें शाह साहब उसको। अनम्यूट कर लें। जी जी शाह साहब, आप जो है जो हमारे डिटैच प्रोनाउन थे, इसको ज़मीर मुनफसिल मुज़क्कर कहते हैं, इसको आप जो है वो हुआ, हुमा, जी हुँ, जी अंता, अंतुमा, जी अंतुम, जी और आना नहनु, आना नहनु। अब इसका माना कर दें ज़रा, इसका माना कर लें। वो एक मुजक्कर मर्द, जी वो दो मुजक्कर मर्द, जी वो बहुत से यानी जमा का सीगा, बहुत से मर्द या मुजक्कर, बस कुछ एक कर आजे, जी आजे नहीं नहीं गायब गायब सॉरी गायब गायब जी हाँ। अच्छा, तुम एक मर्द, हाँ जी, तुम दो मर्द, हाँ जी, और तुम सब मर्द, जी जी, मैं और हम, मैं और हम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था वाहिद तस्निया जमा, कुछ कोई भी इसम हो उसका, या तो वो वाहिद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा। जैसे एक लफ्ज़ है मुस्लिमुन, मुस्लिम का माना है एक मुसलमान, तो इसकी आप गिरदान पूरी कर दें, होवा मुस्लिमुन, इसका माना होगा वो एक मुसलमान, हुमा मुसलमान है वो दो मुसलमान, जी जी और मुस्लिमुन, जी सब मुसलमान, मुसलमान। अंता मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमान, अंता मुस्लिमानी, जी तुम मुस्लिमुन, जी अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमुन, जी नहनु मुस्लिमान, नहनु मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमान, नहनु मुस्लिमून, ठीक है। अच्छा, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सवाल करने के लिए, वो है मन, मन लफ्ज है, अगर इसके साथ मिलाकर अगर आप ग्रुप में सवाल करेंगे तो इसका जवाब भी दे सकते हैं। तो आप कहते हैं मन होवा, मन होवा कि वो कौन है, सामने साइड पे कुछ लोग खड़ा है तो आप कहते हैं मन होवा, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं होवा मुस्लिम, होवा मुस्लिम, वो मुसलमान है, हाँ जी। और मन हुमा, मन हुमा का माना होगा वो दो कौन है, तो माँ मुसलमान है उसका जवाब होगा, और मन हुम वो सब कौन है, तो हुम मुसलमून वो सब मुसलमान हैं। तो इसी तरीके से मन अंता, आप कहते हैं मन अंता, आप कौन हो, वो कहते हैं अना मुसलमून, मन अंतुमा वो आगे से जवाब है नहन, नहनु मुसलमान है, या मन अंतुम नहनु मुसलमून, तो इस तरह से जवाब जो है ना मन के साथ। मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके साथ सवाल होता है, और ये सवाल जो है मन का जो सवाल है ये होगा जो आकिल होंगे, जो अक्ल रखने वाली चीज़ें होंगी उनके मुतालिक मन से सवाल होता है, और माँ से जो सवाल होता है जो अक्ल नहीं रखती जो चीज़ उसके साथ, अगर सामने कोई चीज़ जो है ना आप कहते हैं माँ होवा, तो माँ होवा से सुनने वाला ये समझ जाएगा कि ये सवाल जो है ना गैर आकिल के लिए किया जा रहा है। तो मन जी, जैसे अगर पहाड़ है तो उसको कह सकते हैं, जी आप कह सकते हैं कि माँ होवा, तो वो आगे से जवाब दे सकते हैं होवा जबलुन, तो वो पहाड़ है। तो जो होवा लफ्ज़ है शाह साहब, जो होवा लफ्ज़ है या हुमा लफ्ज़ है, ये मुतलक मुजक्कर के लिए भी आता है और मुअन्नस के लिए भी आता है, चाहे वो मुजक्कर अक्ल रखने वाली है चाहे नहीं रखने वाली, तो होवा का सवाल उसी के साथ जो है ना वो आएगा, क्योंकि दुनिया में हर जो कुछ चीज़ हर ज़बान के अंदर जो भी चीज़ है या वो मुज़क्कर होती है या मुअन्नस होती है। तो इसी तरीके से ये जो होवा है
ऐसे मुजक्कर के लिए भी है जो जो अकल रखता है, और ऐसे मुजक्कर के लिए भी है जो अकल नहीं रखता। तो इस तरीके से ये सवाल होंगे। तो देखें, कब्र के जो सवाल होंगे तो उसमें आता है मन रब्बू का, तो वो मिलाकर जब पढ़ते हैं तो मर रब्बू का बन जाता है, मन रब्बू का, तेरा रब कौन कौन है। और मर रसूलों का, मन आता है मन रसूलों का, मर रसूलों का मिला के पढ़ें। और मा दीनों का आता है, मा आ जाता है, तो मा दीनों का वहाँ पे लफ्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये सवाल जवाब आगे चलेंगे। अच्छा जी, आज का जो अगला सबक है वो हमारा डिटैच प्रोनाउन का ही है, ज़मीर मुनफसिल का ही है, मगर पहले हमने पढ़ा था मुज़क्कर के लिए, अब हम मुअन्नस के लिए। तो हमने जब इसको सीखा कि हम मुज़क्कर के लिए दाएं हाथ से इशारा करेंगे और मुअन्नस के लिए बाएं हाथ से इशारा करेंगे, तो जैसे अंग्रेज़ी के अंदर भी मुज़क्कर के लिए ही इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए शी इस्तेमाल होता है, तो इसी तरीके से यहाँ भी तब्दीली आएगी। मुज़क्कर के लिए हुआ इस्तेमाल हुआ था और मुअन्नस के लिए देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ही इस्तेमाल होगा, हा है और फिर या है, छोटी या है, उसके ऊपर ज़बर है हिया, तो हिया इस्तेमाल होगा मुअन्नस के लिए। अब आप शाह साहब ये इशारा करेंगे, मुअन्नस का इशारा करेंगे, मुअन्नस का, और हाँ जी हिया हिया हो जाएगा, हिया का मतलब होगा वो एक औरत या वो एक मुअन्नस। अच्छा, हुमा जो है दोनों में एक जैसे हैं, हुमा मुज़क्कर के लिए भी वही है, हुमा मुअन्नस के लिए वही है, तो हुमा वो दो औरतें, ठीक हो गया जी। अब आगे तब्दीली आ रही है कि हुम जो था वो मुज़क्कर के लिए था, हुन्ना जो है ये मुअन्नस के लिए आ गया, हुन्ना, ये तब्दीली आ गई। अब पढ़ें हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, ये मुअन्नस के लिए। अब इसी तरीके से मुअन्नस का इशारा सामने करें तो मुज़क्कर के लिए था अंता, मुज़क्कर के लिए अंता था, अब बाएं हाथ से इशारा करें मुअन्नस के लिए तो अंता के बजाय अंती हो जाएगा, अंती अंती। अच्छा, अंतुमा जो है ना दोनों के लिए सेम है, मुज़क्कर के लिए भी सेम है और मुअन्नस के लिए भी सेम है, अंतुमा, और मुअन्नस के लिए अंतुन्ना आ गया है और मुज़क्कर में अंतुम था, अंतुम था मुज़क्कर में, और अब देखें तो अब मुअन्नस में अंतुन्ना आ गया, ठीक हो गया अंतुन्ना। तो हिया में तब्दीली आई, हुन्ना में तब्दीली आई, अंति में तब्दीली आई और अंतुन्ना में तब्दीली आ गई। तो आगे देखें जो 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 मुतकल्लम के सीगे हैं वो अना नहनो सेम है, अना नहनो सेम है, ठीक है, अना नहनो सेम है, ठीक हो गया। अब पढ़ें ज़रा अपना शाह साहब पढ़ें, हिया हुमा हुन्ना जी, अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नहनो नहनो, फिर पढ़ें हिया हुमा हुमा हुन्ना अंति अंतुमा अंतुन्ना जी जी अना नहनो। अब जो है ना हम इन दोनों को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को मिलाएंगे तो पढ़ेंगे, पहले दाएं हाथ से पढ़ेंगे, देखें तरीका क्या होगा शाह साहब। पहले थर्ड पर्सन पढ़ें, होवा हुमा हुम, अब मुअन्नस का इशारा पढ़ें हिया हुमा हुन्ना, ठीक हो गया। अब मुज़क्कर का इशारा सामने पढ़ें, अंता अंतुमा अंतुम, अब सामने इशारा पढ़ें अंति अंतुमा अंतुन्ना आना नहनो नहनो। अच्छा, अब दूसरे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनमें से कोई वीडियो ऑन कर ले, कौन ये इशारे पढ़ना चाहेगा वॉलंटियर तौर पे। जी वीडियो नहीं आ रही, वीडियो ऑन कर ले अगर है तो। जी अब जो है ना आप मुज़क्कर को भी मिलाएं, पहले मुज़क्कर का इशारा करें फिर मुअन्नस का, शाबाश।
होवा, लेकिन वीडियो ऑन कर ले तो हमें जरा वजाहत हो जाए। हाँ, वीडियो पे क्लिक कर दें। जुल्फकार हुसैन साहब, आपके अगर वीडियो है तो ऑन कर लें। अच्छा जी, माइक के साथ ही वीडियो। हाँ, माइक के साथ की वीडियो का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें तो ऑन हो जाए। चलें आप पढ़ लें, आप ऑन नहीं हो रही। हाँ, अभी तो कर लिया मेरे ख्याल। चले जी जी हुन्ना انت انتما انتن انا نحن جی اب 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 جو ہے نا پہلے مذکر کا پڑھیں، مذکر کا پڑھیں، ہوا مذکر اما ہم اما ہم ٹھیک ہے اب مؤنث کا اشارہ پڑھیں مؤنث کی طرف یا ہما ہن हुमा हुन्ना जी अब मुजक्कर का पढ़ें अंता कैमरा थोड़ा सेट नहीं है इनका खुद अंता अंतुमा जी आप ठीक हो गया अंता अंतुमा अंतुम नहीं नहीं अब मुजक्कर का पढ़ रहे हैं मतलब है पहले मुजक्कर फिर मुअन्नस इस तरह मिक्स करेंगे हम ठीक हो ठीक पढ़ रहे हैं आप ठीक है अना नाहनु ठीक है जी चलें जी आगे चलते हैं इसी तरीके से ठीक है जुल्फकार साहब आप वीडियो ऑफ कर दें अब ठीक है अच्छा इसी तरीके से जो भी इसम इसम मुजक्कर है उसका शाह साहब हमने मुजक्कर इसम से मुअन्नस इसम बनाना है मुजक्कर से मुअन्नस बनाना है अरबी में ये बहुत आसान है जब आपको कोई भी इसम नज़र आ जाए जिसका माना आपको पता चल जाए कि ये मुजक्कर इसम है तो उस उसकी मुअन्नस बनाना आसान है वो फार्मूले से बन जाती है मतलब ये आसान है बहुत कि आपको आपको जो है ना मुजक्कर इसम का पता है तो अक्सर ऐसे ही है कि मुजक्कर इसम से बहुत कम है कि मुजक्कर इसम का नाम कुछ और मुअन्नस का कुछ और हो वो बहुत कम है मगर इसमें ज़्यादातर जो है ना मुजक्कर जब आपको पता होगा उसका मुअन्नस बना लेंगे तो ये देखें इस स्लाइड के अंदर मुस्लिमुन आया हुआ है मुस्लिमुन तो मुस्लिमुन को इसकी मुअन्नस क्या होगी तो ये ता मुदवरा लगा देंगे तो मुस्लिमातुन बन जाएगी मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन बनी है तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि ये जो मीम के ऊपर तनवीन है ये उड़ जाती है और आखिर में ता मुदवरा ये गोल ता लगा दी जाती है उस पर तनवीन ले आएँ तो ये बन जाएगा मुस्लिमातुन इसी तरीके से देखें मुमिनुन है तो ये बन जाएगा मुमिनातुन सालिखुन है तो ये बन जाएगा सालिखातुन और फासिकुन है तो ये बन जाएगा फासिका फासिकातुन तो मुस्लिमुन एक एक मुजक्कर को कहते हैं और मुस्लिमातुन एक मुअन्नस को कहते हैं तो मुमिनुन मुमिनातुन सालिखुन सालिखातुन फासिकुन फासिकातुन और अब जब हमने मुअन्नस बना ली तो उसका तस्निया बनाना आसान है कि मुस्लिमातुन है तो आखिर में अलिफ नून लगा दें जैसे हम तस्निया में मुजक्कर में भी अलिफ नून लगाते थे और ये जो नून है इसके नीचे हमेशा कसरा आएगा तो ये बन जाएगा मुस्लिमाताने मुस्लिमातुन से ये बनेगा मुस्लिमाताने तो मुस्लिमाताने का जो ये सेंटेक्स है के आखिर में ता हो और अलिफ नून हो तो ये समझ जाना चाहिए कि ये दो तस्निया हैं और मुअन्नस हैं मुस्लिमातान हैं जी हाँ अब इसकी जमा बनानी है जमा मुस्लिमातुन की जमा बनानी है तो ये जो जमा बनेगी शाह साहब ये बनेगी मुस्लिमुन से जमा बनती है तो मुस्लिमुन से जमा बनेगी आखिर में अलिफ ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा मुस्लिमातुन
मुस्लिमातुन बन जाएगा। तो बहुत आसान है कि मुस्लिम वर्ड हमें पता चला, उसकी जो है ना हमने तस्निया बनाई तो मुस्लिमाने बन गई, और उसकी जमा हमने बनाई तो वो मुस्लिमूना बन गया, या मुस्लिमीना भी बनता है, मुस्लिमाइना भी बनता है। तो ये भी इसी तरीके से है कि मुस्लिमातुन से ये बनेगा मुस्लिमाताने, और आगे बनेगा मुस्लिमातुन, मोमिनातुन से बनेगा मोमिनाताने और मोमिनातुन, और सारे खातुन से बनेगा सारे खाताने साले खातुन, साबिरातुन से बनेगा साबिरताने साबिरातुन। तो इस तरीके से आप जो है ये इसकी मुअन्नस बना सकते हैं। अब जो है हम इसको एक पूरी गिरदान में पढ़ते हैं इशारों के साथ। शाह साहब आपने पढ़ना है कि हम मुस्लिम वर्ड को हमने पढ़ना है हुवा के साथ, और फिर जो है ना मुस्लिमातुन को पढ़ना है हिया के साथ, इस तरह मिक्स करके हमने पढ़ना है। मैं पढ़ता हूँ, आपने साथ मेरे जो है ना वो फॉलो करना है, और साथ ही देखें कि आप किस तरीके से आपने इशारा करना है। तो देखें जी, हुवा मुस्लिमुन, उमा मुस्लिमान, आप बोलें उमा मुस्लिमान, हम मुस्लिमून, हम मुस्लिमून, हिया मुस्लिमातुन, हिया मुस्लिमातुन, जी हाँ, उमा मुस्लिमाताने, उमा मुस्लिमाताने, हुन्ना मुस्लिमातुन, हुन्ना मुस्लिमातुन, जी हाँ। और सामने अब मुजक्कर का इशारा, अंता मुस्लिमून, अंता मुस्लिमून, अंतुमा मुस्लिमाने, अंतुमा मुस्लिमाने, अंतुम मुस्लिमूना, अंतुम मुस्लिमून, अंति मुस्लिमातुन, अंति मुस्लिमातुन, अंतुमा मुस्लिमाताने, अंतुमा मुस्लिमाताने, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। और उंगली का इशारा दोनों हाथों से अपनी तरफ करें, अना अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमातुन, अना मुस्लिम, अना मुस्लिमुन वो मुजक्कर के लिए हो गया, और अना मुस्लिमातुन वो मुअन्नस के लिए हो। नहनो मुस्लिमाने, नहनो मुस्लिमाने, नहनो मुस्लिमाताने, नहनो मुस्लिमाताने, जी हाँ, नहनो मुस्लिमूना, नहनो मुस्लिमूना, और नहनो मुस्लिमातुन, नहनो मुस्लिमातुन। तो इस तरह से आपके पूरी गिरदान से आप कर सकते हैं कि कोई भी वाहिद वाहिद लफ्ज़ होगा उसको उससे मुअन्नस बनाना आसान है। देखें नीचे वाली स्लाइड में मुशरिकुन है तो बन जाएगा मुशरिकातुन, काफिरुन है तो बन जाएगा काफिरातुन। ये आगे जो काउंटिंग दी हुई है 109 टाइम, मतलब 109 दफ़ा ये मुशरिकुन लफ्ज़ जो है ना कुरान पाक में आया। तो अब मुशरिक का माना भी आपको पता चल गया, उसका वाहिद तस्निया जमा का भी आपको पता चल गया, और मुशरिकातुन जो है ना वो वर्ड भी आया हुआ है, और काफिरुन मेरे ख्याल में ये मुशरिकुन और मुशरिकातुन को मिला के 109 टाइम ये उन्होंने लिखा है, और काफिरुन काफिरातुन जो है ये 411 दफ़ा ये आया हुआ है, और मुनाफिकुन और मुनाफिकातुन 37 दफ़ा ये लफ्ज़ जो है ना कुरान पाक में रिपीट हुआ है। तो कुरान पाक के जो 78,000 अल्फाज हैं उनमें से ये काउंटिंग जो है ना इन अल्फाज की है कि जो यहाँ पर मौजूद है। और आगे देखें, साइमातुन रोज़ा रखने वाली औरत, साइमातान साइमातुन, ज़ाकिरातुन ज़ाकिरातान ज़ाकिरातुन, आबिदातुन आबिदातान आबिदातुन, सालिखातुन सालिखातान सालिखातुन, सादिकातुन सादिकातान सादिकातुन। तो आपको कोई लफ्ज़ भी पता चल जाए, चाहे वो वाहिद का हो, वो चाहे वो मुजक्कर का हो, चाहे मुअन्नस का हो, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, साले खातुन है तो आपसे कोई ये पूछे इसकी वाहिद क्या होगी, शाह साहब तो आप क्या बताएंगे? ये रिवर्स इंजीनियरिंग अगर साले खातुन, और इसी से साले खातुन से पूछे कि इसका मुजक्कर क्या होगा, जी वो जी हाँ साले खातान वो आपने बना लिया, इसका तस्निया बना लिया। और अगर साले खातुन से आपसे पूछे इसका मुजक्कर बनाएं, साले खातुन से सालिखुन, ये ता को आपने अजफ कर देना है और ये ता को ख़त्म करना है, तो खा के ऊपर तनवीन ले आनी है तो सालिखुन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसको गोल ता वैसे कहते हैं, वैसे अरबी में ताए मुदव्वरा कहा जाता है।
ठीक है, मैं वो का भी मैंने पढ़ा हूँ, लेकिन जी मुदव्वरा ये मेरे जी देखना ये निहाल मुदव्वरा ताई मुदव्वरा, तो ये लफ्ज़ है। तो देखें जी, अब इसकी गिरदान जो की जा रही है, ही मुस्लिमतुन, वो एक औरत मुसलमान है, हुमा मुस्लिमतान है, वो दोनों औरतें मुसलमान हैं, हुन्ना मुस्लिमातुन, वो सब औरतें मुसलमान हैं, अंति मुस्लिमतुन, आप एक औरत मुसलमान हो, अंतुमा मुस्लिमतान है, आप दो औरतें मुसलमान हैं, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, आप सब औरतें मुसलमान हैं, अना मुस्लिमतुन, मैं एक औरत मुसलमान हूँ, नहनु मुस्लिमातुन, हम सब औरतें मुसलमान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस सबक में मुअन्नस की ज़मीर मुनफसिल सीखी जो कुरान शरीफ में 125 मरतबा आई है, इसके अलावा दो नए अल्फाज सीखे जो कुरान करीम में 50 बार आए हैं। आप इन अल्फाज को कुरान करीम की आयतों में तलाश करके पूरी गिरदान पढ़ें और मुतल्लिका लफ्ज़ का सही माना सही इशारे के साथ करें। तो जब भी आपको कोई लफ्ज़ नया मिले तलावत करते हुए, तो आप जो है ना उसकी गिरदान लाजमी करें कि आप शुरू से सारे थर्ड पर्सन की गिरदान, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की गिरदान के साथ आप उसको रिपीट कर देंगे, कुछ ही अरसे में ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी। जैसे कुरान पढ़ते हैं मोमिनुल आता है, तो फिर हम उसको दिल में गिरदान भी पढ़ने जी हाँ, मतलब आप थोड़ा सा वक्त इसके लिए रखें कि जिसमें आपने इजरा करना है। इजरा का मतलब ये है कि आपने उस पर सोचना है, थोड़ा तदब्बर करना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जूँ ही आपने उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पढ़ा है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पढ़ा है, तो मुफ्लिहून का लफ्ज़ आया तो आप गिरदान दोहरा लें, हुआ मुफ्लिहून, उमा मुफ्लिहान है, हम मुफ्लिहून है, और इसी तरीके से हिया मुफ्लिहतुन, उमा मुफ्लिहतान है, और हुन्ना मुफ्लिहातुन, तो इस तरह से गिरदान जो है ना उसकी पूरी कर लें उसकी, ठीक हो गया। तो ज़मीर की मुअन्नस की ज़मीर मुनफसिल जो हमने इशारों के साथ इस्तेमाल करते हुए सीखी हैं वो हैं हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना नहनु। अच्छा जी, अगला जो सबक है वो अटैच प्रोनाउन का है। इसका कंसेप्ट बहुत आसान है और देखेंगे आप कुरान पाक की हर सतर के अंदर ये अटैच प्रोनाउन आते हैं। ये तो सबको पता है कि एक नाउन है, एक प्रोनाउन है। ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है। तो जैसे कि ही, शी, इट, दे, और आई, और वी, यू, ये प्रोनाउन है, ठीक है जी। तो किसी नाउन को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रोनाउन जो है ना किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरीके से आप कोई भी स्टोरी करते हैं तो पहले किसी बंदे का ना आप नाम लेते हैं, और उसके बाद जो है ना उसको आप वो कहते हैं कि वो ऐसा है, या आप ऐसे हैं, मैं ऐसा हूँ। तो हर वक्त अपना नाम नहीं लेते, आप शुरू में अपना नाम बताते हैं और फिर बाद में आप जो है ना मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और एक है अटैच प्रोनाउन, तो उसका वो हिज और हर का माना करेंगे, देयर का माना करेंगे, वो माई का माना करेंगे, आवर का माना करेंगे, तो इनको अटैच प्रोनाउन कहा जाता है। तो इन अटैच प्रोनाउन, ये जो अटैच प्रोनाउन होंगे ये भी इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, सेम अटैच प्रोनाउन शाह साहब ये मुजक्कर के लिए भी होंगे, सेम अटैच प्रोनाउन जो है ना वो मुअन्नस के लिए भी होंगे। तो जिस तरीके से ज़मीर मुनफसिल था इसी तरीके से इसको कहते हैं ज़मीर मुतसिल। ज़मीर मुतसिल क्यों कहते हैं? अच्छा, एक और बात नोट कर लें कि जी अरबी के अंदर या किसी भी ज़ुबान के अंदर, अरबी के अंदर तीन किस्म के अल्फाज के साथ आपका पाला पड़ेगा। वो है इसम, इसम के साथ पाला पड़ेगा, फिर फेल है, फेल के साथ पाला पड़ेगा, और फिर कुछ अरूफ हैं, अरूफ के साथ जो है ना पाला पड़ेगा, जैसे मिन है, इला है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अरूफ है। ये मैं दूसरा लिंक आपको शेयर करूंगा, आपने फिर ज्वाइन करना है 10 मिनट बाद। तो इसी तरीके से हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए हमें अटैच प्रोनाउन का ये होगा। तो जो अटैच प्रोनाउन होंगे वो शाह साहब वो कभी भी कुरान पाक के अंदर, अरबी के अंदर अलग से नहीं आएंगे, वो जब भी आएंगे मिलकर आएंगे। अब जब वो मिलेंगे तो किसके साथ मिलेंगे? या तो इसम के साथ मिलकर आएंगे, या फेल के साथ मिलकर आएंगे, या किसी हर्फ के साथ मिलकर आएंगे। अलग से उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, अलग से अपना उसका कोई माना नहीं है, अलग से वो आप उसको अरबी में कहीं नहीं देखेंगे, अलग से नहीं आएंगे। वो जब भी आएंगे
तो उनकी निशानी ये है कि वो अटैच होकर आएंगे किसी इसम के साथ, किसी फेल के साथ, तो इसको कहते हैं मुत्तसिल, मुत्तसिल मिले हुए अटैच प्रोनाउन। अब देखें जी, कुरान अटैच प्रोनाउन है क्या, थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। अब यहां पे देखें, एक लफ्ज आया अब्द, बंदा, हु भी आ गया अब्दुहु। अब ये जो हु है ये अटैच प्रोनाउन है, दो लफ्जों को मिलाना है, रसूलुहु रसूलुहु उसका रसूल, अब्दुहु उसका बंदा, तो ये अब्दुहु ये इजाफत हुई है, अब्द की इजाफत, अब्द की निस्बत, अब्द की इजाफत हुई है ये हु की तरफ। और हु जो है ना वो पीछे उसका जो मर्जा है जिसकी तरफ वो लौट कर जा रहा है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, अब्दुहु रसूलुहु। तो ये दो लफ्ज़ों को मिलाना, एक नई चीज़ आप सीख रहे हैं, आपके से यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी, नई इस्तिलाहात आप सीखने जा रहे हैं, उसको कहते हैं शाह साहब इजाफत, इजाफत, ठीक है जी। दो इसम को मिलाना ये इजाफत है, दो अलग अलग इसम हैं आपने उनको मिला दिया है, हब्द एक इसम था और हु प्रोनाउन था, हु प्रोनाउन उस एक के लिए, इन दो को मिला दिया जब तो हब्दु हु हो गया, तो पहले लफ्ज़ को इजाफत कहते हैं, मुजाफ कहते हैं, और दूसरे लफ्ज़ को मुजाफ इलैह कहते हैं, पहले लफ्ज़ को मुजाफ कहते हैं और दूसरे लफ्ज़ को मुजाफ इलैह कहा जाता है, जिसकी इजाफत की जाती है उसको मुजाफ कहते हैं और जिसकी तरफ की जाती है उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। तो अब देखें कि हब्दु ये मुजाफ है और हु जो है मुजाफ इलैह है। अब उर्दू में इसकी इलामत क्या होती है या उर्दू में इसका तर्जमा कैसे आप करेंगे, वो तर्जमा करेंगे का के रा रे री से तर्जमा करेंगे, हब्दुहु उसका बंदा, जी उसका बंदा, रसूलुहु उसका रसूल, ठीक है। तो इसके माना जो भी आप करें, बीच में का के की लाएंगे या रा रे री लाएंगे। अब देखें ये जो अटैच प्रोनाउन है वो किस तरह के हैं, तो थोड़े से तब्दील हैं। देखें अब इशारा करें शाह साहब थर्ड पर्सन के लिए, इशारा करें हु हु हुमा हुम, अब सामने इशारा करें का कुमा कुम, अपनी तरफ इशारा करें यी ना ना, अब फिर इशारा करें हु हुमा हुम का कुमा कुम यी ना। अब माना करें हु का माना बनेगा उस एक मर्द का, उन दो मर्दों का, उन सब मर्दों का आप एक मर्द का, कुमा आप दो मर्दों का, कुम आप सब मर्दों का, यी मेरा और ना हम हमारा। अब ये अकेले तो आएंगे नहीं, मगर याद करने के लिए आपने इसको ऐसे याद करना है हु हुमा हुम का कुमा कुम यी ना, जी हाँ हु हुमा हुम का कुमा कुम यी ना, हु हुमा हुम का कुमा कुम यी ना। अब देखें, अब इसी अल्फाज को एक लफ्ज़ रब है, रब, तो रब पालने वाली जात को कहा जाता है, तो रब्बुहु उसका रब, माना क्या बनेगा रब्बुहु का उसका रब, जी हाँ, और किताबुहु उसकी किताब, रसूलुहु उसके रसूल, रब्बी मेरा रब, किताबुना हमारी किताब, रसूलुना हमारे रसूल। तो एक एक लफ्ज़ से पूरी गिरदान आप कर सकते हैं। अब रब से हम गिरदान करते हैं, जरा करिएगा, रब्बुहु रब्बुहु रब्बुहुमा
रब्बु हुम, जी रब्बु का, रब्बु कुमा, रब्बु कुम, रब्बी रब्बुना। देखें हम रब्बी का क्या माना है, मेरा रब, बहुत ही मतलब अटैचमेंट है, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हमारा रब, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल आला, तो सुबहान रब्बी अल अजीम, तो रब्बी अल्लाह पाक ने वहाँ सिखाया है कि आप यहाँ जब रुकू में जाएं तो आप बिल्कुल मेरे साथ ये अपना तहल्लुक बताएं कि सुबहान रब्बी अल अजीम, कि मेरा रब जो है, मेरा रब पाक है जो अजीम है, तो मेरा रब। तो इसी तरीके से किताब हु से गिरदान करें, किताब हु, किताब हुमा, किताब हुम, किताब का, किताब कुमा, किताब कुम, किताबी, किताबुना, रसूल हु, रसूल हुमा, रसूल हुम, रसूलों का, रसूल कुमा, रसूल कुम, रसूली, रसूलना। अब देखें इसका इजरा जो है ना, मिसालों में अन्नाहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, अन्नाहुल हक्कु, बेशक वो, अन्नाहु बेशक वो हक है, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, हुमा का देखें, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और उन दो का गुनाह ज़्यादा है उन दो के नफ़े से, व इस्मुहुमा उन दो का गुनाह अकबरु ज़्यादा है, मिन नफ़इहिमा उन दो के नफ़े से, वला खौफ़ुन अलैहिम और ना खौफ होगा अलैहिम उन पर ना खौफ होगा उन पर, इन्ना अरसलना का बेशक हमने भेजा आपको, इन्ना अरसलना का मतलब क्या है जी, आप एक का, तो बेशक हमने भेजा आपको, मा नहाकु मा रब्बु कु मा नहीं रोका आप दो को, मा नहा नहीं रोका कु मा आप दो को, रब्बु कु मा आप दो के रब ने, फ़अख्शाकुम सुम्मा युमीतुकुम, व अख्याकुम फिर जिंदा किया उसने तुम को, कुम तुम सब को, सुम्मा युमीतुकुम फिर मौत देगा वो तुम सब को, उज़्कुरू नेमती याद करो तुम मेरी नेमत, याद करो तुम मेरी नेमत, रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना है हमारे रब कबूल फरमाइए हमसे। अब नीचे देखें, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका, है अल्लाह, अल्लाहुम्मा पहले ही बताया कि ये मुखफ्फफ है या अल्लाह का, अल्लाहुम्मा मुखफ्फफ है या अल्लाह का, इसका माना हमेशा होगा है अल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली खोल दे ली मेरे लिए अब्वाब रहमतिका दरवाजे अपनी रहमत के, तो रहमतिका शाह साहब ये कितने लफ्ज़ हैं, ये दो लफ्ज़ हैं, रहमतिका ये रहमत एक लफ्ज़ है और का एक अपनी रहमत का, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका है अल्लाह खोल दे मेरे लिए दरवाजे अपनी रहमत के, ली दो लफ्ज़ हैं, एक लाम है एक या है, लाम हर्फ है, ली रहमतिका रहमत के दरवाजे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका है अल्लाह बेशक मैं अस्अलुका
जी स्क्रीन नजर आ रही है शाह साहब? चलें अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फजलिका, है अल्लाह बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे। असअलुका, ये भी दो लफ्ज़ हैं, असअलु फेल है, का जो है ये यहाँ पर ज़मीर मुतसिल है, मिन फजलिका तेरी फजल के, तो इसमें इन्नी दो लफ्ज़ हैं, ये या जो है ज़मीर मुतसिल है, ये इन्ना के साथ मिली है, तो इन्नी ये बन जाएगा। असअलुका ये भी दो लफ्ज़ हैं, असअलु फेल है, का जो है ये ज़मीर मुतसिल है, का फ़ज़ले का ये दो लफ्ज़ हैं, फ़ज़लुन ये इसम है और का ज़मीर मुतसिल है, तो फ़ज़ले का ये बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ज़मीर मुतसिल हैं, हु हुमा हुम का कुमा कुम यी ना, ये जब भी आएंगे, आपने देखा तो जब भी ये आएंगे तो ये अटैच होकर आएंगे, मिलकर आएंगे, और ये जब इसम के साथ मिलेंगे तो मुजाफ इलाय बनेंगे, उस इसम की निस्बत जो है ना इस ज़मीर की तरफ हो जाएगी। आप कहते हैं कि हाजा किताबुन, ये किताब है, तो मगर आप आगे से कहते हैं हाजा किताबी, हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। अब आपने किया क्या है, आपने किताब की निस्बत को अपनी तरफ कर लिया है, हाजा किताबी ये मेरी किताब है, तो आपने ज़मीर मुतसिल को किताब के साथ मिला दिया। आप कहते हैं हाजा किताबु का, ये आपकी किताब है, तो आपने किताब की निस्बत को मुखातब के साथ मिला दिया, हाजा किताबु का। आप कहते हैं हाजा किताबु ना, तो जब ना ज़मीर मुतसिल मिलाई तो उसकी निस्बत अब अपनी तरफ कर ली, ये हमारी किताब है। तो इस तरीके से जो भी इसम होगा उसके साथ मिलकर आएगा, और जब ये फेल के साथ मिलेगी, फेल के साथ मिलेगी तो फिर मफूल भी ही बनेगी, मफूल भी ही का कंसेप्ट आगे आएगा जिसके ऊपर काम किया जाता है, तो मफूल भी ही बनेगी। तो इस तरीके से ज़मीर मुतसिल हमने पढ़ ली, जो है हु हुमा हुम का कुमा कुम यी ना, हु हुमा हुम का कुमा कुम यी ना, ये मुज़क्कर की ज़मीर मुतसिल है जो कुरान पाक की हर सतर में आपको नज़र आएंगी, कोई ऐसी सतर नहीं होगी जहाँ पे ज़मीर मुतसिल आपको नज़र ना आए, और उसका माना आप जो है समझने की कोशिश करेंगे कि जब इसम के साथ मिलकर आएगी तो वो मुजाफ इलैह का काम करेगी, जो पीछे जो उसके इसम आ रहा होगा उसकी निस्बत जो है ना उसकी तरफ हो जाएगी। मुतसिल और इजाफत में फ़र्क है जी, मुतसिल इसलिए कहा जाता है कि ये या तो इसम के साथ मिलकर आएगी या फिर जो है वो फेल के साथ मिलकर आएगी। जब इसम के साथ मिलकर आएगी तो इसका मतलब ये है कि दो इसमों को ये हम मिला रहे हैं, इन दो मिलाने को इजाफत कहा जाता है, दो इसमों को आपस में मिलाने को इजाफत कहा जाता है, कोई भी दो इसम मिला लें तो ये इजाफत बन जाती है। मिसाल के तौर पर शाह साहब आप कहते हैं गुलामुन, गुलाम का मतलब है कोई गुलाम, आप कहना चाहते हैं जैद का गुलाम, तो फिर हम कहेंगे गुलामु जैदिन, गुलामु जैदिन। तो आपने क्या किया कि आपने ये इजाफत की, एक इसम को दूसरे के साथ मिला दिया, अब गुलाम की निस्बत जो है वो जैद की तरफ हो गई, तो ये भी आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे मिलाया जाता है। गुलाम मुन है तो उसकी मीम के ऊपर जो तनमीन है उसको उड़ा दिया, और बाद में जैद था, जैद के नीचे कसरा लाना लाजमी हो जाता है इजाफत में, तो गुलामु जैदिन हो गया, तो इसको कहा जाता है इजाफत।
और अब इसमें दो इस्तलाहात हैं कि जब दो इसम आपस में मिल गए हैं तो इन दो के नाम हो जाते हैं, पहले इसम को मुजाफ कहा जाता है और दूसरे इसम को मुजाफ इले कहा जाता है। ठीक हो गया कि जिसकी निस्बत की जाती है उसको मुजाफ कहा जाता है, जिसकी तरफ की जाती है उसको मुजाफ इले कहा जाता है। ठीक हो गया। अब देखें अगला जो हमारा सबक है, इसमें जोड़ीदार कुछ रिश्ते हैं, वेल नोन रिलेशन जो कुरान पाक के अंदर जो है काफ़ी दफ़ा ये इस्तेमाल हुए हैं, तो छह मशहूर रिश्ते, वेल नोन रिलेशन। एक है जी अबुन बाप, पढ़ें अबुन बाप, अबुन 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 बाप, उम्मुन उम्मुन। अब मीम के ऊपर देखें शद है, बा के ऊपर शद नहीं है, मीम के ऊपर शद है, तो ये है उम्मुन अबुन उम्मुन माँ, उम्मुन माँ। उम जो है वो माँ को कहा जाता है और अब जो है वो बाप को कहा जाता है, अबुन बाप उम्मुन माँ। इब्नुन बेटा, बिनतुन बेटी, इब्नुन बेटा बिनतुन बेटी। अखुन भाई, अखुन अखुन खा के साथ अखुन अखुन भाई। उख्तुन बहन, अबुन उम्मुन इब्नुन बिनतुन अखुन उख्तुन। ठीक हो गया। आगे देखें इसका इजरा ला रहे हैं, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनीही। जिस दिन भागेगा, यौम यफिरुल मरउ, जिस दिन भागेगा आदमी, मिन अखीही, जिस दिन भागेगा आदमी से, जिस दिन भागेगा एक आदमी से, अखीही उसके भाई, व उम्मीही और उसकी माँ, व अबीही और उसके बाप, व साहिबत ही और उसकी बीवी, व बनी ही और उसके बेटे। अल्लाह पाक क़यामत का नक्शा खींच रहे हैं कि है मेरे बंदे, तुम जिनकी खातिर जो है, जिनकी खातिर इस दुनिया के अंदर, जिनकी खातिर इस दुनिया के अंदर मेरी नाफरमानी करते हो, ये सब तुमसे भाग जाएंगे। हदीस पाक में आता है एक ने तमाम रिश्ते गिनवा दिए कि एक नेकी ज़रूरत होगी तो भाग जाएंगे। देखें यौम यफिरुल मरउ, जिस दिन भागेगा आदमी से, मिन अखी ही उसका भाई, व उम्मी ही उसकी माँ, व अभी ही उसके बाप, व साहिबत ही और उसकी बीवी, व बनी ही उसके बेटे। अब उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने ये जो असलूब यहाँ पे बयान किया, तो देखें अगर हम यहाँ पर दुनिया में भी जब मुश्किल वक्त आता है तो बेगाने तो पहले ही भाग जाते हैं, और जो बिल्कुल खूनी रिश्ता होता है वो भाई का रिश्ता होता है, तो ऐसे होता है कि भाई कहता है कि जी भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मेरा अपना घर है, मैंने उसको देखना है। तो देखें आपने इस ज़माने में भी देखा होगा अपनी ज़िंदगी में भी, तो भाई अलग हो जाते हैं और अमीरी गरीबी का फ़र्क आ जाता है, तो भाइयों की भी कोई मदद नहीं करता, वो साइड पकड़ लेते हैं। और जब ज़्यादा कोई वक्त बुरा आ जाता है तो इंसान माँ बाप से भी अलग हो जाता है, कि वो अपनी फैमिली को देख रहा होता है और माँ बाप का भी ख्याल उसको बहुत कम रहता है, तो क्योंकि मुसीबत ने उसको घेरा हुआ होता है। और कभी ऐसे भी बहुत कम हुआ है कि कोई इंसान मुसीबत में अपनी बीवी और बच्चों को भी छोड़कर भाग जाए, तो वो बहुत ऐसे भी हुआ है कि इंसान ऐसा परेशान हुआ कि वो बीवी बच्चों को भी छोड़कर जो है ना वो भाग गया है। तो कल क़यामत के दिन जो है ना ये सब रिश्ते एक दूसरे से भाग रहे होंगे, तो इंसान को यहाँ रह कर इन सब रिश्तों का तो मतलब तहल्लुक निभाना है और उनका ख्याल करना है, मगर ऐसा नहीं कि अल्लाह के हुक्म टूट रहे हों और हम जो है ना ये रिश्ते निभा रहे हों, और मैं जो है ना हर जो है ना हराम हलाल को पूरा करके इनकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा हूँ, तो कल को तो ये मुझसे भाग जाएंगे। अल्लाह पाक जो है ना मुल्क तौफीक दे। तो देखें जी ये जो लफ्ज़ हैं अबुन उम्मुन इब्नुन बिनतुन अखुन उख्तुन, ये जब जब जो है ना ज़मीर मुतसिल से मिलेंगे, आप कहते हैं अबुन बाप,
मगर आप कहते हैं उसका बाप, तो कैसे कहेंगे? तो ये अबुन के साथ वाउ लगा देंगे, ये बन जाएगा अबूहू, अबूहू। क्या बनेगा जी? अबूहू, उस एक का बाप, अबूहुमा उन दो का बाप, अबूहुम उन सब का बाप, अबू का आपका बाप, अबूकुमा आप दो का बाप, और अबूकुम आप सब का बाप, अभी मेरा बाप, अबूना हमारा बाप। ये अबू की शक्लें तब्दील होंगी, जैसे अबुन से ये अबू बना, कभी ये अबा बन जाएगा, अबाहू उसका भी माना होगा, उसका बाप, ठीक है जी। तो अबा भी बन जाएगा, अबू भी बन जाएगा, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इसका इस्तेमाल आएगा। जूं जूं आगे आप बढ़ेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ किसका इस्तेमाल आता है। तो इसी तरीके से उम्मुहू तो क्या माना होगा? उस एक की माँ, उम्मुहुमा उन दो की माँ, उम्मुहुम उन सब की माँ, उम्मुका आपकी माँ, उम्मुकुमा आप दो की माँ, उम्मुकुम आप सब की माँ, उम्मी उम्मी मेरी माँ, मेरी माँ उम्मी। हम तो अम्मी कहते हैं ना उर्दू में, तो ये है उम्मी। उम्मी जो है वो मेरी माँ। अच्छा जी, इसी तरीके से इब्नुहू, इब्नुहुमा, इब्नुहुम, इब्नुका, इब्नुकुमा, इब्नुकुम। जी तो देखें, इब्नुहू इब्नुन था, शाह साहब इब्नुन था, तो इब्नुन से ये इब्नुहू बन गया। इब्नुहू, इब्नुहुमा, इब्नुहुम, इब्नुका, इब्नुकुमा, इब्नुकुम, इब्नी, इब्नी, इब्नुना। अब एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो या है, या के साथ जब भी कोई लफ्ज़ शुरू में आएगा तो उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर कसरा आ जाएगा, ज़ेर आ जाएगी। देखें, अबूहू तो अबी बन गया, अबी, और उम्मुन था तो उम्मी बन गया, इब्नुन था तो इब्नी बन गया, बिनतुन था तो बिनती बन गया, उख्तुन था और अखुन था तो अखी बन गया, उख्तुन था तो उख्ती बन गया। क्योंकि या, ये जो या है, इसके साथ जब भी कोई इसम आएगा तो वैसे उसके साथ अटैच ही नहीं हो सकता जब तक आप उसके आखिरी हर्फ के ऊपर कसरा नहीं देंगे। जब आखिरी हर्फ के ऊपर जेर दे देंगे तो फिर उसको अटैच करना, उसको पढ़ना आसान हो जाता है, उसको अटैच करना पढ़ना आसान हो जाता है। तो ये पूरी गिरदान जो है ना, ये बन गई है कि आपके ये जो छः अल्फाज थे ये जोड़ीदार हैं। अबुन पढ़िएगा, अबुन, उम्मुन, अबुन का माना बाप, उम्मुन का माना माँ, इब्नुन बेटा, बिनतुन बेटी, अखुन भाई, उख्तुन बहन। जी, इब्नुन बेटा और बिनतुन बेटी, इसको कुरान पाक की आयत में से ढूंढ कर लाए हैं। मल मसीह इब्नु मरियमा इल्ला रसूल, मल मसीह इब्नु मरियमा इल्ला रसूलुन व मरियमनता इमराना, मल मसीह इब्नु मरियमा इल्ला रसूलुन। अल्लाह पाक रद्द कर रहे हैं ईसाइयों के ऊपर, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं नहीं मसीह बेटे मरियम के मगर रसूल, नहीं मसीह बेटे मरियम के इल्ला रसूल मगर वो रसूल हैं, व मरियम नता इमरान, और मरियम बेटी इमरान की, और मरियम बेटी इमरान की। ईसाई जो है वो तसलीस के कायल हैं, तो वो जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को और अल्लाह ताला को, और वो मिलाकर जो है वो कहते हैं कि ये रब है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मल मसीह इब्नु मरियमा इल्ला रसूल, नहीं मसीह बेटे मरियम के मगर रसूल, और मरियम नता इमराना, और मरियम बेटी इमरान की, अखुन भाई, उख्तुन बहन, ला अम्लिकु इल्ला नफ्सी व अखी, नहीं मालिक मैं
इल्ला नफसी, मगर अपनी जान का और अपने भाई का। व अखी, अखी देखें अखुन था, अखुन से ज़मीर मुतसिल से मिला अखी बन गया। हिया अकबरो, वो बड़ी थी, मिन उख्तिहा उसकी बहन से, वो बड़ी थी, हिया अकबरो मिन उख्तिहा उसकी बहन से। रब्बी इन आगे है इब्नुन और इब्नुन इब्नुन बेटा, बिन्तुन बेटी। रब्बी इन्ननी, रब्बी इनबनी मिन आली है, मेरे परवरदगार मेरा बेटा मेरे घर ही का एक फ़र्द है। रब्बी इन्नबनी मिन आली है, मेरे परवरदगार मेरा बेटा मेरे घर ही का फ़र्द है। व इस काला, व इस कौला लुकमानु ली अबी है, व इस कौला लुकमानु ली अबी है जी। वह इस काला लुकमान इब्न ही, और जब कहा लुकमान ने अपने बेटे से, वह इस काला लुकमान इब्न ही, जब कहा लुकमान ने अपने बेटे से, इन इब्न का सारा का यकीनन आपके बेटे ने चोरी की है। इन्ना, इन्ना है इन्ना बेशक, इब्न का सारा का, तो ये मिलाकर पढ़ेंगे, इन इब्न का सारा का यकीनन आपके बेटे ने चोरी की है। कुल इजवाज का व बनात का, कह दीजिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से। हुर्रिमत अलैकुम उम्मातुकुम व बनातुकुम, हुर्रिमत हराम की गई हैं तुम पर, उम्मातुकुम तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियाँ। हाउलाह बनाती, ये हैं मेरी बेटियाँ, हाउलाह बनाती। इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, अबाना देखे मैंने कहा था ये अबू कभी अबा भी बन जाएगा, तो ये इन्ना के बाद जब भी आएगा तो अलिफ के साथ आएगा, तो ये अबा लफ्ज़ भी अबुनी है और अबू लफ्ज़ भी अबुनी है। इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, बेशक हमारे वालिद किसी खुली गलत बहमी में हैं। व उम्मुहु सदीकतुन, और उनकी माँ सदीका थी। माँ काना अबू किमरा सौइन, नहीं था तुम्हारा बाप बुरा आदमी। व माँ कानत उम्मी का उम्मू के, व माँ कानत उम्मू के बगयन, और नहीं थी तुम्हारी माँ बुरी औरत। व अबूना शैखुन कबीरन, और हमारे वालद बहुत बूढ़े आदमी हैं। हमलत हु उम्मू हु वाहनन अला वाहनन, हमलत हु उम्मु हु उठाए रखा उसे उसकी माँ ने कमज़ोरी पर कमज़ोरी के बावजूद। व अरसिल महाना अखाना अखाना, लिहाजा भेज दिए हमारे साथ हमारा भाई। वमन उफी अलहू मिन अखी है, पस माफ़ कर दिया जाए जिसे उसके भाई की तरफ से। अल्लज़ीना कालू ले अख़वानिहिम, और वो लोग जिन्होंने कहा अपने भाइयों से। अल्लज़ीना वो लोग, कालू जिन्होंने कहा, ली अख़वानिहिम अपने भाइयों से। इस्तमशी उख्तो का, जब चलती थी तुम्हारी बहन। वकालत ली उख्ती ही कुछ सही ही, और कहा उसकी बहन से सुराग लगाओ उसका। कुल्लमा दहालत उम्मतुन लहानत उख्तहा, जब भी दाखिल होगी कोई जमात लानत करेगी दूसरी को। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस सबक में 8 नए अल्फाज सीखे जो कुरान शरीफ में हज़ारों मरतबा आए हैं। इसके अलावा 14 नए अल्फाज सीखे जो कुरान करीम में 2263 बार आए हैं। आप इन अल्फाज की कुरान करीम की आयतों में तलाश करके पूरी गिरदान पढ़ें और मुतलका लफ्ज़ का सही माना और सही इशारे के साथ बताएँ। तो ये आज का हमारा सबक जो है वो हो गया जी, वो है ज़मीर मुत्तसिल, जो मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल है, और उसको ये मुज़क्कर की ज़मीर मुत्तसिल है, वो हमने पढ़ी आज। आगे हम अगले सबक में जाकर वो मुअन्नस की भी ज़मीर मुत्तसिल पढ़ेंगे। तो ज़मीर मुत्तसिल मुज़क्कर की जो हमने पढ़ी है
तो वो सब रिपीट कर लें, वो है होवा हु हुमा हु है हु हुमा हुम का कुमा कुम यी ना। तो ये ज़मीर मुत्तसिल हैं और ज़मीर मुत्तसिल जब भी आएंगी अकेले नहीं आएंगी, किसी इसम के साथ मिलकर आएंगी। तो हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा, जब इसम के साथ मिलेंगी तो वो इजाफत का काम करेंगी, उस इसम की नस्बत जो है ज़मीर की तरफ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर रब्बुन, रब पालने वाला, इसकी नस्बत जब हु के साथ मिलाएंगे वो बन जाएगा रब्बुहु, तो उसका माना हो जाएगा उसका रब, माने में का के की रारे री लाएंगे, और रब्बुहुमा उन दो का रब, और रब्बुहुम उन सब का रब। इसी तरीके से अपनी तरफ कर यी की तरफ करेंगे तो रब्बी बन जाएगा और रब्बुना बन जाएगा, रब्बुका बन जाएगा, रब्बुकुमा रब्बुहुम। इस तरीके से ये अल्फाज जो है बहुत दफ़ा कुरान पाक में हर सतर पर ये रिपीट हो रहे होते हैं। तो इसका अब जब भी ये सामने आएंगे तो आप इसका माना समझने में आपको इंतहाई आसानी हो जाएगी। ज़मीर मुत्तसिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और इसी तरीके से छः नए लफ्ज़ पढ़े हमने, अबुन उम्मुन इब्नुन बिन्तुन अखुन और उख्तुन को हमने पढ़ा। ये छः लफ्ज़ हैं और इन छः लफ्ज़ को ज़मीर मुत्तसिल के साथ मिलाकर आपने गिरदान पढ़ी, और ये जो है ये गिरदाने इस तरीके से मुख्तलिफ माना ये बयान कर देते हैं। चलें जी, कुछ सवाल हो तो आप कर सकते हैं, कुछ दुश्वारी आ रही हो तो वो बता दें, जो दूसरे हजरात हैं ज़रा उसमें आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। ये हमने रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हम शेयर कर देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप इस चीज़ के मिसदाक बन जाएंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, के तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान खुद सीखे और दूसरों को सिखलाए। तो ये मुसलमान का एक ये तुरा इम्तियाज़ है कि मुसलमान के लिए तो एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि कुरान को ख़ुद भी सीखे और ख़ुद भी सिखाए। तो देखें एक ऐसा माहौल हम हमारा बन जाए कि हम जो है ना हर हफ्ता इतवार को एक घंटा अल्लाह की रज़ा के लिए हम जो है ना वो देते रहें, और साथ में इसका इजरा घर वालों के साथ बच्चों के साथ इसको शुरू करें। आप जो है मोहल्ले के बच्चों को जमा कर लें, आप मदरसे के आप चले जाएं, आपके कुछ लेसन हो जाएं, आप मदरसे में चले जाएं, हिफ्स के बच्चे बैठे हुए हैं उनको कहेंगे जी ये किताब है, और मुफ्ती अबुल्लू बाबा साहब को सब जानते हैं, तो आप कहेंगे जी ये हम कोर्स कर रहे हैं तो मैं इस बच्चों को यहाँ से एक एक सबक करवाना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बच्चों के अंदर शौक पैदा होती है और ये चीज़ ऐसी जहन में बैठ जाती है कि फिर जो है ना इंसान की मोहब्बत भी इसके साथ ऐसी बढ़ जाती है जब तर्जमा जो है ना इंसान करना शुरू कर देता है। तो वक्त निकालिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अक्सरु जज़ा, अल्लाह हाफिज़।